हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आईडी एक फील्ड मैंने बनाई है। अब ये किस तरीके से बनाया गया है इसे मैं डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ और आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा कि ये कैसे कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे आईडी को देख सकते हैं, ऑटो नंबर रखा गया, इसे मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया है। और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट है जिसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखा गया और फिर प्राइस का डेटा टाइप करेंसी रखा गया और फिर यहाँ व्यू पे क्लिक किया गया और इसमें डेटा को फिल कर दिया गया। आप देख रहे हैं आप कि यहाँ पे डालडा रिफाइंड ऑयल है जिसका प्राइस है, फिर यहाँ पर फॉर्च्यून कच्ची घानी इसका प्राइस है, फिर यहाँ पर देखिए ये फॉर्च्यून पाम ऑयल है तो इसका प्राइस है। तो अलग अलग की प्राइस पड़ी हुई है। हम चाहते हैं ना कि इसका टोटल जो है हम एक क्वेरी बनाए उसके माध्यम से करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो क्वेरी मैंने लिखी है और यहाँ पर टोटल आ रहा है 620। ठीक है, तो ये क्वेरी जब मैंने चलाया तो यहाँ पे टोटल प्रिंट होके आया है 620 रुपए, तो ये बिल्कुल सही आया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इन सबको जब जोड़ेंगे तो 620 ही आएगा। तो अभी ये क्वेरी कैसे बनाई उस क्वेरी को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये क्वेरी कुछ इस तरीके से बनाई गई है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्वेरी कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि सबसे पहले तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो सम का फॉर्मूला सिर्फ एक्सेल में ही नहीं यूज होता है, यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर टेबल वन से प्राइस को टोटल किया गया है क्योंकि सम का फॉर्मूला एड करने के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पे प्राइस का टोटल किया गया है और इसे नाम दे दिया गया है टोटल सेल और ये कहां से आया है फ्रॉम टेबल वन। तो आपको भी यही करना है। ये क्वेरी मैं दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूं कि ये कैसे हम लगाएंगे। तो सबसे पहले तो इसे क्लोज कर देता हूं और इसी क्वेरी को फिर से बना के दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर ये दिख रहा है तो आपको सबसे पहले तो क्रिएट में चले जाना है, फिर जाना है ये क्वेरी डिजाइन पर और जैसे ही जाते हैं तो आपको यहाँ पे एसक्यूएल नजर आएगा। तो बस एसक्यूएल पे चले चलिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा सेलेक्ट। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट लिखते हैं तो यहाँ लगाना है सम का फॉर्मूला और ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, और चूंकि हमारे टेबल का नाम है टेबल वन, यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आप भी लिख लीजिएगा टेबल वन। ये लिख लिया टेबल वन और टेबल वन लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, डॉट प्राइस करना है प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइस का ही टोटल करना है, टेबल वन से प्राइस का ही टोटल करना है। इसे बंद करेंगे और इसे नाम दे देंगे एज, यहाँ पे लिख दिया एज और फिर यहाँ पे लिख देंगे टोटल, टोटल सेल, टोटल और अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं सेल इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, अब यहां पर ये करने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं और यहां पर ये किस जगह से आएगा तो ये आएगा टेबल वन से। कहां से आएगा, टेबल वन। तो इस तरीके से आपको लिख देना है बस और यहां से करना है टर्मिनेट। अब बारी है इसे चलाने की और जैसे ही हम इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल होता हुआ नजर आएगा, वही टोटल आएगा जो पहले आया हुआ था। ठीक है, तो एक बार पहले इस टेबल को क्लोज कर देते हैं। ये जो टेबल ओपन है इसे क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप टोटल नहीं कर पाएंगे। तो बस इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से अब ये क्वेरी डिजाइन पे जाके रन पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल सेल आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस तरह की कोई भी आपको सिचुएशन आती है और ऐसी नीड आती है कि आपको टोटल करना है तो सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।